सूबे के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार प्रगतिशील विचारधारा के पक्ष में हमेशा रहते हैं। यही वजह है कि वे आधुनिक तकनीक से कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं। विकासशील भारत का सपना पूरा करना है तो किसानों को आर्थिक रूप से खुशहाली के रास्ते पर लाना होगा। इसी दिशा में कृषि मंत्री की सोच का नतीजा है किसानों से सीधा संवाद। मंत्री डॉक्टर कुमार ने सभी कृषि रोड मैप को रेखांकित करते हुए कहा कि किसानों की सर्वांगीण विकास के लिए ही विभाग ने तकनीकी स्तर पर रोड मैप लाया। अब किसान अपनी मर्जी से अपने देश में कहीं भी जहां उन्हें अधिक कीमत मिलेगी वहां बेच पाएंगे, किसान बिचौलियों से मुक्त हो जाएंगे। इन दिनों कुछ लोग इस ऐतिहासिक विधेयक के संबंध में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। किसानों के बीच यह भ्रम फैला जा रहा है इस बिल के आने से MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा, जब कृषि बिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। MSP मूल्य मिलता रहेगा इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दो दिन पहले ही केंद्र सरकार ने रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपये से लेकर 300 रुपये तक बढ़ा दिया है। कृषि बिल किसान की आज़ादी है, वन नेशन वन मार्केट, जब किसान अपनी फसल कहीं भी किसी को बेच सकते हैं। किसानी में नव प्रयोगवाद के लिए हमेशा धुन में रहने वाले कृषि मंत्री ने जमीन की जांच, बीज पैदावार भंडारण विपणन और उत्पादन का उचित समर्थन मूल्य के साथ आर्थिक विकास की ओर भी गौर किया गया है, जिससे बिहार राज्य के किसानों को समेकित विकास का लाभ मिल रहा है। कृषि रोड मैप के तहत बड़े लक्ष्य रखे गए थे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कुशल नेतृत्व में सभी विभाग समन्वित रूप से उन योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं। बिहार सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के किसानों और पशुपालकों को सभी संभव सुविधाएं और लाभ दिए जाएं। बिहार देश का पहला राज्य है जहां कृषि के टिकाऊ विकास के लिए कृषि रोड मैप बनाया गया है। 3 कृषि रोड मैप 2018 से 2012, 2012 से 2017, 2017 से 2022। दूसरा है 20 से लेकर बाजार तक सुविधा, बीजों की ऑनलाइन व्यवस्था, खरीफ पर 6,62,558 किसानों को बीज दिया गया है। बीजों की होम डिलीवरी पहली बार हम लोगों ने पिछले वित्तीय वर्ष में बांका में शुरू हम लोगों ने किया था और चालू वित्तीय वर्ष के सभी जिलों में हमने आवेदन किसान भाइयों से प्राप्त किया था। सीधी बात के साथ संवाद का बेहतर नतीजे से खुश कृषि मंत्री ने किसानों के हक हकूक के लिए विस्तार से योजनाओं को उनके सामने रखा ताकि पारदर्शिता रह सके। इस वर्ष रबी मौसम के लिए 7 लाख से अधिक किसानों ने ऑनलाइन बीज के लिए आवेदन दिया है। खेती के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं, खाद, कीटनाशी, पौधा संरक्षण, खरीफ मौसम में राज्य में बड़े पैमाने पर टिड्डियों का आक्रमण हुआ, आपको बता रही है बिहार में किसी नुकसान के टिड्डियों का पूरी तरह सफाया किया गया। पंचायत कृषि कार्यालय शुरू गया है ताकि किसानों को प्रखंड जिले में जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। हम लोग किसान चौपाल भी लगाया था ताकि किसानों की बात जान पाए, किसानों को बात समझ पाए जाकर के, और पहली बार सब उन्होंने किसान चौपाल का आयोजन किया था। कुल मिलाकर वर्चुअल कीबोर्ड के सहारे आयोजित यह संवाद सूबे के किसानों को खूब पसंद आया। अच्छी बात यह रही कि किसानों के मन की व्यथा कथा तथा अनेक भ्रांतियां कृषि मंत्री ने संवाद के जरिए दूर की। ब्यूरो रिपोर्ट SDF न्यूज पटना।